हाय, आई एम डॉक्टर शारदा जैन। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे बीच में डॉक्टर ज्योति अग्रवाल हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं थ्रू आउट MBBS एंड MD। आज ये कोरोना वायरस की जो महामारी सब जगह फैली हुई है, हर हिंदुस्तानी इससे घबराया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि इसके सिम्टम्स कैसे हैं? हर आदमी जो छींकता है, खांसता है, सोचता है कि उसको कोरोना वायरस है, आप क्या कहेंगी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं कि आज कोरोना वायरस से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत पैनिक हैं और थोड़ी बहुत तो सिचुएशन भी गंभीर है। लेकिन आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि कोई भी इन्फेक्शन वायरल और सोर थ्रोट के फॉर्म में कोरोना फीवर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन हैं जो कोरोना की तरह लगते हैं, लेकिन हम इतने डरे हुए हैं कि हमको लगता है कि हमको कोरोना तो ना हो जाए, क्योंकि हमें लगता है कि इससे अगर हो गया तो बस अब हम बचेंगे नहीं, हमारी डेथ ही निश्चित है। तो मैं यहाँ बता, डरना नहीं है, हमें प्रिकॉशन। हाँ, कोई भी खांसी जुकाम कोरोना नहीं होता है। कोरोना को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ये जानना है कि खांसी किस तरह की है, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है। बलगम वाली खांसी के बहुत सारे अलग कारण होते हैं, वो कोरोना नहीं होता। अभी सूखी खांसी सिर्फ सूखी खांसी है या उसके साथ नाक बहती है, जुखाम है, सिर दर्द है या बॉडी में एक्स एंड पेन्स हैं, जोड़ों में दर्द है, तो वो कोरोना हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर सूखी खांसी पॉल्यूशन की वजह से या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है। और यूजुअली अगर ये सिम्टम हमारे बढ़ रहे हैं, खांसी भी है, बुखार भी है, और हमारे को धीरे धीरे पाँचवें छठे दिन तक सांस लेने में अगर मुश्किल है, तो हमें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम सस्पिशियस केस ऑफ कोरोना हो सकते हैं। आप इसको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत जब भी आपको सांस में तकलीफ़ हो, फीवर हो, हाँ, और आपको खांसी हो, तो आपको अस्पताल पहुंचना। बिल्कुल, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इस वायरस के साथ, और अदरवाइज ये नॉर्मल वायरल फ्लू है। और इसका मेन आंसर है कि हमें अपने आप को आइसोलेट करना है, सेल्फ आइसोलेशन है। जैसा हम जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप में और मोदी जी से भी सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, दैट इज़ द ओनली आंसर। कोई भी दवाई वगैरह इसको ना तो प्रिवेंट करती है और ना ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो इम्पेरिकल है, उनके सांस में प्रॉब्लम ना हो उसके सपोर्ट के लिए देते हैं। उसके लिए हमें अपना जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना है। इम्यूनिटी ओवरनाइट तो बढ़ेगी नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि समय समय पर हमारे बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट के वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुँच जाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।